एचपी विक्टर से कैसा लैपटॉप है जिसको लोग पसंद तो करते हैं लेकिन खरीदने से पहले बहुत बार सोचते हैं, और शायद ही सही भी है क्योंकि विक्टर्स चाहे कितना भी सस्ता हो जाए इस लैपटॉप के फंडामेंटल बहुत ही वीक हैं। वैसे इस लैपटॉप की प्राइस इतनी कम है कि इसको हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो ऐसे में हम ले ना ले क्या करें, आइए देखते हैं। ओके, तो विक्टर्स पूरा प्लास्टिक से बना है लेकिन लैपटॉप में काफी होलो स्पेस है इसलिए जनरल फ्लैक्स इसमें ज्यादा है। लुक में तो कोई दो राय नहीं है, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में ही लैपटॉप बड़े कमाल का दिखता है। वैसे लैपटॉप में शार्प एजेस मैं अवॉइड करता हूँ लेकिन एचपी विक्टर्स में ये सब इतना अनकंफर्टेबल नहीं है। वेट की बात करें तो लैपटॉप चार्जर के साथ 3 किलो के आसपास है और टाइप सी चार्जिंग भी सपोर्ट नहीं करता, इसलिए चार्जर को तो साथ में रखना होगा। तो अगर पोर्टेबिलिटी वाइज कोई लैपटॉप सर्च कर रहे हो तो विक्टर्स को तो भूल जाओ। आगे बात करें तो ये लैपटॉप व्हाइट कलर में भी आता है, सब जगह मिलता है लेकिन हमारे इंडिया में नहीं है, बड़े दुख की बात है। नेक्स्ट, अगर टेक्सचर की बात करें तो इस लैपटॉप पर जो पेंट का यूज हुआ है बिल्कुल भी चीप नहीं है। होता ये है ना कि लैपटॉप लॉन्ग टर्म में अपनी सरफेस इंटीग्रिटी को लूज कर देते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक एचपी विक्टर्स के साथ ऐसा होगा। ब्रांडिंग भी बड़ी सही करी है एचपी ने, एकदम प्रो बिजनेस टाइप का लैपटॉप लगता है। ओके, तो कोई भी ब्रांड नहीं चाहेगी कि उनके लैपटॉप में डिस्प्ले वॉबल की प्रॉब्लम आए, लेकिन विक्टर्स में ऐसा है, तो इससे पता चलता है कि एचपी ने इस लैपटॉप के R&D में बहुत ही पैसा बचाया, इसलिए लैपटॉप इतना सस्ता भी है। ओके, तो लैपटॉप तो बने ही होते हैं लैब पर या चलते फिरते यूज करने के लिए, ऐसे में इसकी वॉबलिंग पर बार बार ध्यान जाता है। इस वजह से मैं खुद इस लैपटॉप को ना लूं तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूं। लेकिन अगर आप टेबल पर लैपटॉप को यूज करना चाहते हो तब तो कोई वॉबलिंग वगैरह नहीं होती है। वैसे हो सकता है धीरे धीरे इसकी आदत हो जाए, लेकिन इन दी एंड ये तो एक गलत आदत हुई ना। लकीली पोर्ट्स इस लैपटॉप के काफी अच्छे हैं, मैक्सिमम पोर्ट लेफ्ट में है जिसमें टाइप सी और SD कार्ड का स्लॉट भी है जो कि आजकल कम ही देखने को मिलता है, और बाकी राइट में हमारे पास 2 और USB Type-A के पोर्ट है। कीबोर्ड इस लैपटॉप का मुझे ओकेश लगा क्योंकि मैं ज्यादा डेन प्रेफर करता हूँ कीकैप में, लेकिन आपके लिए चीजें थोड़ी अलग हो सकती है। वैसे ये एक बैकलिट कीबोर्ड है, में आप लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हो, बस इतना ही कंट्रोल है। ट्रैक पैड इस लैपटॉप का ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी रैटल नहीं करता, विंडोज प्रिसिजन ड्राइवर पर काम करता है, और इतना मान के चलो कि एक टॉप टियर का ट्रैक पैड है। स्पीकर्स इस लैपटॉप के लाउड है लेकिन बेस इनका कम है, तो कोई नई बात तो है नहीं, अक्सर गेमिंग लैपटॉप में हमको यही सुनने को मिलता है। ओके, तो मेरे पास जो यूनिट है उसमें 144Hz का पैनल है, लेकिन ध्यान देना ये एक 16-inch का लैपटॉप है। विंडोज वैसे रेजोल्यूशन और स्केलिंग बेस पर काम करती है, इसलिए वर्किंग स्पेस तो आपको उतना ही मिलेगा जितना किसी 15-inch के लैपटॉप में मिलता है। मेजरमेंट्स की बात करें तो इस लैपटॉप की कलर एक्यूरेसी और ब्राइटनेस तो एकदम कॉमन है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट इस लैपटॉप के बहुत ही अच्छे हैं। ब्लैक कलर्स एकदम प्योर ब्लैक जैसे दिखते हैं, और गेम्स में जो डार्क एरिया की डिटेल होती है वो काफी अच्छे से नजर आती है। तो एकदम नॉर्मल सा डिसेंट पैनल है, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है। ओके, तो अपग्रेड ऑप्शन की बात करें तो इस लैपटॉप में 2 SSD के स्लॉट और 2 RAM के स्लॉट है। बाय डिफॉल्ट लैपटॉप सिंगल 8GB की RAM के साथ आता है, लेकिन अगर आपको कोई भी क्रिएटिव काम या गेमिंग करना है तो लैपटॉप को 16GB पे अपग्रेड कर ही लेना। ओके, तो अब बात करते हैं एक्चुअल गेमिंग की। तो इस लैपटॉप में NVIDIA RTX 3050 Ti है, और शायद आप भी इस वीडियो को इसी वजह से देख रहे हो, तो बस इतना आप जान लो कि RTX 3050 और Ti में इतना कुछ खास फर्क नहीं है। मैंने कुछ गेम्स भी रन किए थे और मुझे अप्रोक्स 7-10% का फर्क ही देखने को मिला, क्योंकि कूड़ा कोर्स तो भले ही RTX 3050 Ti में ज्यादा है लेकिन जो पहली लिमिटेशन है वो VRAM की वजह से आती है जो कि इन दोनों कार्ड में बस 4GB की है। ओके, थर्मल्स विक्टर्स के वीक है इसमें कोई शक नहीं, लैपटॉप की कंपनीज भले ही कहती होंगी कि CPU का 95 और GPU का 85 टच होना नॉर्मल है, लेकिन मुझे ये सब सही नहीं लगता। इसलिए अगर आपको थर्मल डिजाइन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो Acer 925 या Dell G15 को ही लेना। फ्रेम रेट तो आपको विक्टर्स में ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन लैपटॉप की ओवरऑल लाइफ के लिए उसका टेम्परेचर का कम होना जरूरी है। एक टॉपिक रह गया बैटरी लाइफ का, तो इस लैपटॉप में आपको मीडियम लोड पर करीब 4 घंटे से ऊपर का बैकअप मिल जाएगा, और अगर बात करूँ चार्जिंग टाइम की तो इस लैपटॉप को 2 घंटे लगते हैं। ओके, तो इन दी एंड विक्टर्स को लेना या ना लेना 2 बातों पर डिपेंड करता है, एक तो ये कि आप क्या वैल्यू करते हो लैपटॉप में, और सेकंड ये कि आप क्या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो। मेरे लिए तो फैसला करना आसान है क्योंकि RTX 3050 Ti की कुछ खास वैल्यू नहीं है, और थर्मल और डिजाइन की वीकनेस के साथ तो मैं कोई रिलेशन रखना नहीं चाहता। लेकिन सबसे बड़ा जजमेंटल फैक्टर ये होता है कि इस लैपटॉप की प्राइस कितनी है। अभी तो लैपटॉप फिर भी ठीक है, लेकिन कल अगर ये और सस्ता हो जाए तो मे बी मेरा ओपिनियन भी चेंज हो जाएगा। तो कुल मिला के एक बात है कि अच्छा लैपटॉप लेने के लिए अच्छी रिसर्च भी करनी पड़ती है, और अगर आप चीजों को बारीकी से समझते हो तो एक बेहतर परचेस डिसीजन ले सकते हो। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, थोड़ा शेयर कर देना, और मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगले वीडियो में।